इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी है, ये सच था और इस सच की पुष्टि आज खुद नरेंद्र मोदी ने कर दी है। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे, जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो आप बेतुकी बेवकूफी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, अगर उसको समय रहते ना पाटा गया तो वो एक सामाजिक असुरक्षा का कारण बनेगा। लेकिन उसके लिए हम नीति निर्माण करेंगे, उसके लिए हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे वो खाई पटे, उसके लिए हम गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के हाथ में सत्ता की चाबी देंगे। संसाधन पर गरीबों का हक होना चाहिए और फिर वो गरीब चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों। इस बारे में आप झूठ क्यों बोलते हैं? असलियत तो यह है कि अपने 10 साल के शासनकाल में आपने इस देश के गरीब की वो उपेक्षा की है, उसको इतना प्रताड़ित किया है जिसकी कोई हद नहीं है। आपने गरीबों की जेब पर डाका डाला, उनके आटे, दही, पढ़ाई, दवाई पर GST लगाकर अपने अमीर मित्रों की तिजोरियां भरी। असलियत तो यह है कि आपने गरीब पर टैक्स की वो मार डाली कि आज 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% GST देती है। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 1% लोग 40% संसाधन पर बैठे हैं, 22 लोगों के पास उतना पैसा है जितना 70 करोड़ के पास है। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि 20% मेरे देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर कर रही है। फ्री राशन का दंभ भरते हैं ना, वही लोग आज रोजगार मांग रहे हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अपने मित्र को तो आपने एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट दिए, लेकिन रेल के डब्बों में भेड़ बकरी की तरह इस देश के युवा, इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब को आपने ठूसने का काम किया है। हो सकता है 85,100 करोड़ के, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में 20 लाख का सूट पहने हुए, 1.5 लाख की कलम लगाए हुए, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाए हुए आपको गरीबी ना दिखती हो, लेकिन ये देश परेशान है गरीबी से। हर घंटे 2 किसान, हर घंटे 2 युवा गरीबी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम प्रतिबद्ध हैं जातिगत जनगणना कराने के, आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराने के, जिससे पता चले कि आखिर लोगों की हालत कितनी खराब है, तभी उनके लिए नीतियां बनेंगी, तभी उनके लिए योजनाएं बनेंगी। और ये योजनाएं गरीब सामान्य वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए बनेगी। आप पूरी दमखम से झूठ बोलिए क्योंकि वो आपकी आदत है, और हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से इस देश के अमीरों और गरीबों की खाई को पाटने का काम करेंगे, बिना किसी से उनकी संपत्ति, बिना किसी से उनकी आय छीने, क्योंकि ये देश 2 टुकड़ों में बट नहीं सकता है। इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में वो खाई नहीं हो सकती है जिसको बनाने का काम आपने किया है। आप गरीब विरोधी शुरू से थे, आज आपने इस पर मोहर भी लगा दी।